भारत की जीत आई, पाकिस्तान ने जश्न मनाई। जी हाँ, इस भारत की जीत के साथ पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अगर भारत ये मैच हार जाता तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाहर निकल जाता। अब वो कैसे, मैं आपको पॉइंट टेबल दिखा के जल्दी से समझा देता हूँ। सबसे पहले आप पॉइंट टेबल देख लीजिए, भारत नंबर एक पर है, श्रीलंका नंबर दो पर है, पाकिस्तान नंबर तीन पर है। अब अगर ये मैच भारत हार जाता तो उनके पास दो पॉइंट होता और श्रीलंका के पास चार पॉइंट होता, तो श्रीलंका ऑलमोस्ट वो क्वालिफाई कर जाता और भारत के पास दो पॉइंट होता बांग्लादेश को हरा के, क्योंकि उनके पास रन रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो बांग्लादेश को हरा के भारत क्वालिफाई कर जाता। ये दोनों टीमें फाइनल में चली जाती और पाकिस्तान जीतने के बाद भी चार पॉइंट अगर श्रीलंका को हरा देता, चार पॉइंट होने के बाद भी पाकिस्तान बाहर निकल जाता और उनके पास कोई चांस नहीं होता, क्योंकि रन रेट पर बात आती तो रन रेट पाकिस्तान का माइनस में और काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से पाकिस्तान बाहर निकल जाता। लेकिन भारत की जीत के साथ पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ है कि भारत अब यहां से क्वालिफाई कर गई है। श्रीलंका के पास दो पॉइंट है, पाकिस्तान के पास दो पॉइंट है, अगला मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका का है, तो पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे और सीधा क्वालिफाई कर ले फाइनल के लिए, वो टिकट कटा ले। तो जो 14 तारीख को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में मैच है, ये मैच अभी फाइनल मैच है, नॉकआउट मुकाबला है। अगर जो ऑफिशियली तौर पर इसको आप सेमीफाइनल नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सेमीफाइनल से कोई कम नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हारेगा वो बाहर निकलेगा और यहाँ जो जीतेगा वो सीधा फाइनल के लिए टिकट कटाएगा, भारत के साथ 17 तारीख को दो दो हाथ करेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।